दोस्तों साउथ की सुपरहिट मूवी जिसका नाम है भीमा और सुपरस्टार गोपी चंद की भीमा मूवी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और हिंदी डब्ड में रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों भीमा मूवी हिंदी डब्ड में रिलीज होने जा रही है टीवी और यूट्यूब पर और साथ ही साथ ओटीटी पर, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कन्फर्म हो चुकी है। तो अगर आप भी भीमा मूवी के हिंदी डब में देखने का वेट कर रहे थे तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों भीमा जो कि एक एक्शन थ्रिलर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जिसको रिलीज के बाद मिले जुले रिव्यूज मिले थे, लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सुपरहिट होगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी फ्लॉप होने से भी बच गई है और अब इस मूवी को एक एवरेज मूवी का टैग मिल चुका है। और अगर बात करें भीमा मूवी के टोटल वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन की तो मैं आपको बता दूं कि जहां इस मूवी का ब्रेक इवन था 12 करोड़, लेकिन इस मूवी ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में केवल और केवल 9.5 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भीमा मूवी की कहानी आधारित है एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर पर, जो कि अपनी बहादुरी की वजह से और अपने ईमानदारी की वजह से कई बार उसका ट्रांसफर होता है, लेकिन जब उसका महेंद्र नगरी नामक एक जगह पर ट्रांसफर होता है वहाँ उसका सामना होता है एक बड़े स्मगलर से, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, केवल और केवल एक छोटे से पार्ट को छोड़ दें जो कि लव स्टोरी एंड रोमांटिक वाला पार्ट है, उसको हटा दो तो ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है। और अगर बात करें भीमा मूवी के हिंदी डब के रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन भीमा मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है एंड आप इस मूवी को ओटीटी पर देखोगे या फिर टीवी और यूट्यूब पर देखोगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें भीमा मूवी की हिंदी डब की रिलीज डेट को लेकर तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट निकलकर आ चुकी है और खबरों की माने तो भीमा मूवी आपको 5 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल सकती है, जहां पर इस मूवी को हिंदी डब के साथ साथ सभी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ऑफिशियली इस मूवी को यूट्यूब पर नहीं रिलीज किया जाएगा, लेकिन कोई अगर अनऑफिशियली लोड कर दे तो बात अलग है।